ठीक है चलो एवरीवन, 16th में का सेशन है, इसमें हम 16-17 दोनों कवर कर लेते हैं। सुनिए ध्यान से और पूरी तरह, कोई भी सेशन आप 15 मई के सेशन का हाल देखिए क्या है, इसीलिए बनाने के लिए मन भी नहीं करता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब आप लोग उसको कंप्लीट उससे बेनिफिट नहीं लेते हैं तो उस गारंटेड कॉन्टेंट को सेंड करने का मन भी नहीं करता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है। मेरा हर सेशन गारंटेड है, इसको कंप्लीट सुनिए। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं शेयर किया करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, और नए लोग प्लीज़ ज़रूर के चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन भी वहाँ पर, यानी नोटिफिकेशन बेल भी आपको मिलेगा, तो आपको उसे ऑल पे कर लेना है, यानी उसको हिट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर फैमिलीज़ या इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 मई को मनाया गया है, याद रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवार के लिए, फैमिलीज़ के लिए मनाया जाता है। अच्छा, एक मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये साल में दो बार मनाया जाता है एक्चुअली। ठीक है, एक तो अभी राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था जो मैंने आपको बताया था थोड़े दिन पहले, लेकिन एक मनाया जाता है, दो बार इसको मनाया जाता है एक्चुअली। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे को दो बार मनाया जाता है, 8 अक्टूबर और 14 मई को। तो ये अभी 14 मई को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। एक राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस होता है, वो भी मनाया गया था, बताया था मैंने आपको, जब भी बताया होगा मैंने, ज़रूर मैं मानती हूँ मैंने बताया होगा कभी ना कभी। लेकिन ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, ये 14 मई और 8 अक्टूबर, साल में दो बार मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? जो प्रवासी पक्षी हैं उनके आवासों की रक्षा की आवश्यकता पर नज़र डालने और उसके प्रति जागरूक करने के लिए। 12 मई को भी बताया था अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस यानी प्लांट डे, और एक बताया था 11 मई को, क्या बताया था? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल डे फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, और बाकी सभी बताए हैं मैंने, 1 से लेकर 10 तक, और हास्य दिवस, विश्व हास्य दिवस जो इस हर बार मई के पहले यानी मई के फर्स्ट संडे को पड़ता था, इस बार फर्स्ट मई को संडे पड़ा था, इसलिए ये भी 1 मई को बनाया गया है। तो आप सारे के सारे रिवाइज कर डालें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यूएई के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? हाल ही में यूएई के नए तीसरे नंबर के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? दूसरे पे तय आपको बताया था, पहले तो इनके फादर थे शेख अली जैद, और शेख अली जैद के बाद खलीफा बिन जैद अल नहयार, और अभी ये तीसरे नंबर के बने हैं शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयार, क्योंकि खलीफा बिन जैद अल नहयार का निधन हो गया, यानी उनकी डेथ हो गई। यूएई ने अपना मार्स रोवर अपना जो है अभी प्रस्तुत किया, मतलब लॉन्च किया था, कौन सा मार्स रोवर था? होप। और इंडिया के साथ एक बताया था आपको, एक एग्रीमेंट पे साइन किए थे, ओपन स्काई एग्रीमेंट पे। ठीक है, और शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयार तो ये नए प्रेसिडेंट हो गए, और करेंसी दिरहम, कैपिटल अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड फ्यूल बेस्ड, ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड फ्यूल बेस्ड रॉकेट को किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने। जी हाँ, इसरो ने अभी श्रीहरिकोटा से ह्यूमन रेटेड HS-200 ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड फ्यूल बेस्ड एक रॉकेट लॉन्च किया है इसरो ने, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, एस सोमनाथ इसके हेड हैं इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेस एजेंसी है अपने भारत की, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, 1969 में स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट लॉन्च हुई है, यानी पेश हुई है, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 लिस्ट जारी हुई है, इसमें कौन सी भारतीय कंपनी शीर्ष पर यानी टॉप पर है? तो जी हाँ, फोर्ब्स बहुत फेमस मैगज़ीन है जो अलग अलग फील्ड से अलग अलग प्रतिशत लोगों की लिस्ट जारी करती है दुनिया में, चाहे वो पॉलिटिक्स से हों या फिल्म से हों या फिर बहुत ही रेस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज़ हों या कुछ भी किसी में स्टार रहे हों,
किसी फील्ड से भी हों, स्पेशली स्पोर्ट्स के हों। तो ये भी बता देती हूँ आपको, फोर्ब्स जो है, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 लिस्ट पेश हुई है, और इसमें अभी जो टॉप पर इंडियन कंपनी है वो कौन सी है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। हालांकि ग्लोबल 2000 लिस्ट ही जो फोर्ब्स की है, इसमें ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड 53 नंबर पे है, लेकिन भारत की ये पहली टॉप कंपनी है। भारत की तरफ से टॉप है लेकिन इस लिस्ट में 53 नंबर पे है। इसमें दूसरी फर्म है अपने भारत का SBI बैंक, जो फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट में 105वें नंबर यानी 105 नंबर पे है। तीसरी अपनी नंबर थ्री जो फर्म है भारत की, कौन सी, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक जो है फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 लिस्ट में है 153 नंबर पर। किस पर? 153 नंबर पर ग्लोबल 2000 में भारत की जो पहली टॉप कंपनी, शीर्ष कंपनी है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, जो ग्लोबल 2000 में यानी फोर्ब्स की इस लिस्ट में किस में है, नंबर 53 पर। दूसरा हमारा SBI बैंक है, जो हमारा हमारी तरफ से इंडिया की तरफ से दूसरा है, लेकिन जो इस लिस्ट में है वो 105 नंबर है। और तीसरा HDFC है जो 153 है इस लिस्ट में फोर्ब्स ग्लोबल 2000 में, और हमारे यहाँ थर्ड नंबर है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रनिल विक्रम सांघे। आपको मालूम है श्रीलंका में बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस। इसी तरह से सरकार राष्ट्रपति के इस्तीफे की वो सरकार के सॉरी जनता राष्ट्रपति के यानी सरकार के इस्तीफे की मांग कर रही है, जिसमें कि महिंद्र राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अभी इस्तीफा नहीं दिया। इसलिए अभी पाँचवीं बार ये प्रधानमंत्री बने हैं रानिल विक्रम सांघे। किसके? श्रीलंका के। अपने भारत और श्रीलंका के श्रीलंका के बीच जो नेवी एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज कौन सा है? श्रीनेक्स, जो विशाखापट्टनम में हुआ था अभी, विशाखापट्टनम में। और जो ये होगी एक्सरसाइज की बात, और बाकी हमारे और इंडिया और श्रीलंका के बीच क्या है डिवाइडिंग, वो है पाक स्टेट PALK। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो कॉमर्शियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव श्री जयवर्धनीपुरम कोट्टे है, और राष्ट्रपति तो अभी यही है गोटाबाया राजपक्षे, करेंसी है श्रीलंकन रुपया। क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्रयू साइमंड का निधन हो गया, ये किस देश के फेमस क्रिकेटर थे? एंड्रयू साइमंड ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, और अभी इनका कार एक्सीडेंट में निधन हुआ है। किसमें? कार एक्सीडेंट में। तो एंड्रयू साइमंड ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे और अभी इनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री हैं इसके, ऑस्ट्रेलिया के। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और कैनबरा कैपिटल है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी होगी, हाँ ठीक है। हिलेरी चार्ल्स याद है, उन्मुख चंद याद है, मैंने बताया था। और जितने भी द्वीप हैं इनका क्या, किसके किसके नाम पर रखा जाएगा? महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के नाम पर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत अभी किसने की है? हाल ही में किसने पूरे भारत में बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया, यानी बालिका सशक्तिकरण, गर्ल्स वेलफेयर प्रोग्राम, ये हिंदी में याद रखिएगा, बालिका सशक्तिकरण प्रोग्राम ये अभी लॉन्च किया NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने। देश में जो वंचित क्षेत्रों की बालिकाएं हैं, जिनको स्वास्थ्य शिक्षा जैसी जरूर मतलब उनकी जो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही, उनके लिए बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम या बालिका सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रम ये कहिए, यही है इसका नाम, बालिका सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रम ये शुरू किया NTPC ने। गुरुदीप सिंह ये MD & CEO या चेयरपर्सन है NTPC के। 1975 में स्थापना हुई और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस के ई चालान कलेक्शन के लिए वर्ल्ड लाइन इंडिया यानी WLI और बैंक ऑफ इंडिया यानी BI ने अभी आपस में समझौता किया है? तो जी हाँ, मध्य प्रदेश के
मध्य प्रदेश का जो ई चालान प्रोसेस है, जो चालान कट जाते हैं ना गाड़ियों के, ई चालान प्रोसेस, तो एमपी पुलिस के ई चालान के कलेक्शन के लिए, इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, ज़्यादा सरल बनाने के लिए अभी वर्ल्ड लाइन इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने समझौता कर लिया एमपी के अंदर, ठीक है, एमपी के अंदर खजुराहो नृत्य महोत्सव यही मनाया गया था, ठीक है जी। अच्छा, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा एमपी ने की, और हबीबगंज में पहला रेलवे वॉशिंग कोच प्लांट एमपी का लगा, ये FIR रजिस्ट्रेशन सेवा। सुपर बॉम या कॉलर वाली मॉम के नाम से जो वागिन थी उसका निधन हो गया, एमपी के अंदर थी ये, है ना। राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी को अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। ये बहुत सारे फैक्ट्स कल बताए थे, याद रख लीजिएगा। भोपाल कैपिटल है, भोजताल फेमस है, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं और मंगूभाई पटेल गवर्नर हैं। 10 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, बांधवगढ़, माधव, पेज, पन्ना, सतपुड़ा, कान्हा वन विहार, और अभी बताया राला मंडल, इससे अमरकंटक बहुत हैं। 10 नेशनल पार्क है, सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व वाला जो स्टेट है एमपी, फिर अंडमान निकोबार और फिर है असम, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है, यानी जो पुराना पेंशन सिस्टम था तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है, किस राज्य सरकार ने, ये क्वेश्चन आएगा, किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया, तो छत्तीसगढ़ ने भी अब पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। रायपुर कैपिटल है लेकिन नया रायपुर भी है यहाँ, जिसका नाम क्या है, अटल नगर, नया नाम। अनुसुईया उइके गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, और बादल कोल, भैरवगढ़, भूरम देव, अचानक मार, इतानती, समर सूट, ये सब क्या है, ये इसके जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक। और यहाँ पर जो है एक गुरु घासीदास, इसको क्या टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है जो नेशनल पार्क है, ठीक। दाई दीदी क्लिनिक, पढ़ई तो हर द्वार योजना और ऐप, मातृ दुलारी योजना, ठीक है, मातृ दुलारी, महतारी दुलारी योजना, और बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत क्या क्या बताऊँ मैं आपको, और समर वो छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, उन्होंने पुलिसकर्मियों को जो डिप्रेशन ग्रस्त है उन्हें बाहर लाने के लिए स्पंदन अभियान भी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी थॉमस कप किस टीम ने जीत लिया है, थॉमस कप किस देश की क्रिकेट टीम ने जीता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपनी भारत की क्रिकेट टीम ने जीत लिया है थॉमस कप, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडोनेशिया जो 14 बार की विजेता टीम है, 14 टाइम्स विनर टीम है इंडोनेशिया, इसको हराकर अपने भारत की टीम ने थॉमस कप जीता है, तो कितना इम्पोर्टेंट हो गया, जो 14 टाइम्स विनर रहा है थॉमस कप का कौन, इंडोनेशिया, इसको हराकर अपने भारत ने जीत लिया है थॉमस कप 2022। और इसी बात पर बजाओ तालियां, क्योंकि ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इंडिया ने जीत लिया थॉमस कप। और स्कॉट मॉरिसन, इंडोनेशिया की बात है, तो क्या नाम है इनका, इंडोनेशिया, जोको विडोडो, ठीक है। और कैपिटल क्या है, मैंने आपको नई कैपिटल बताई है, करेंसी इंडोनेशियन रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर रमाकांत का निधन हो गया, ये कौन थे, तो डॉक्टर रमाकांत मोस्ट फेमस हिंदी और संस्कृत के विद्वान और साहित्यकार, कवि थे डॉक्टर रमाकांत, और अभी इनका अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, एक शहर है अलीगढ़ में, निधन हो गया। तो अपने अलीगढ़ में डॉक्टर रमाकांत जी का भी निधन हो गया, और ये बहुत प्रतिष्ठित विद्वान थे हिंदी और संस्कृत के, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में दो तीन बातें बता दूँ मैं, अचानक मार, समर सूत, इतानती, भैरमगढ़, भूरमदेव और बादल खोल, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बताई हैं आपको। हाँ, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक्स ये भी स्थापित हुए। कौशल्य मातृत्व योजना भी चल रही है भाई यहाँ, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक भी,
और आपको जो बताया मेहता दुलारी, ये सबके अलावा कौशल्य मातृत्व योजना भी चल रही है। और एक और अभी लेटेस्ट क्वेश्चन बताया था, मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू हुई है। कौन सी? मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ में, ठीक है ये याद रखना, मुख्यमंत्री मितान योजना। अच्छा जी एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी गृह मंत्रालय ने किस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की हर साल घोषणा की है? हर सरकारी केंद्र में अपने भारत में हर जगह मनाया जाएगा ये आतंकवाद विरोधी दिवस पूरे इंडिया के अंदर। और यह है अच्छी बात, लेकिन इससे भी अच्छी बात अब बताने जा रही हूँ कि हर सरकारी कार्यालय में शपथ ग्रहण की जाएगी आतंकवाद के विरोध में 21 मई को। और 21 मई को यही अब जो नया दिवस घोषित हुआ है, कौन सा? आतंकवाद के विरोधी दिवस, आतंकवाद के विरोध में दिवस। तो ये 21 मई को ही मनाया जाएगा, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में ज़रूर, क्योंकि ये पहली बार मनाया, हर जगह मना, मतलब पूरा ऑफिशियल लेवल पर हर जगह मनाने की घोषणा हुई है। और दूसरी बात ये कि शपथ ग्रहण हुआ करेगी 21 मई को आतंकवाद के विरोध में, ठीक है, हर सरकारी कार्यालय में, ऑफिस में। क्वेश्चन है, हाल ही में भी माणिक शाह ये किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो माणिक शाह ये भी न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं, किसके? त्रिपुरा के। इसी में दो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फिलहाल इस्तीफा दे दिया, मतलब हाल फिलहाल में अगर कोई एग्जाम होता है तो अभी त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। कौन थे? विप्लव कुमार देव। लेकिन अब त्रिपुरा के न्यू चीफ मिनिस्टर भी बन गए हैं। अर्जेंट कौन बन गए, मतलब फौरन, ज़्यादा लेट नहीं हुआ, कल परसों ही न्यूज़ पढ़ी थी मैंने। और अभी विप्लव कुमार देव ने इस्तीफा दिया था और अब नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? तो माणिक शाह बन गए त्रिपुरा के। इकटू खेलो इकटू पढ़ो, ये लर्निंग परियोजना शुरू हुई थी त्रिपुरा में। और मुख्यमंत्री मातृ उपहार योजना ये भी शुरू हुई थी त्रिपुरा में। पूरा दूसरा जो बांग्लादेश फिल्म महोत्सव हुआ अगरतला में, अभी इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। और क्या बताऊँ, बहुत सारे फैक्ट हैं इसके तो, और बहुत ही सारे फैक्ट हैं, तो फिलहाल आप याद रख लो, यही काम चला लो, बाकी रिवाइज कर लेना मेरा। और ठीक, अच्छा यहाँ पर अगरतला कैपिटल है, गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और जो माणिक शाह ये बने हैं नए चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके और अपने देश भारत की व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए स्टैंडर्ड बैंक ने किस भारतीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो यूके और भारत दोनों के बीच व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए यूके का जो स्टैंडर्ड बैंक है उसने समझौता कर लिया है किस भारतीय बैंक के साथ किया है? तो आई सी आई सी आई बैंक और यूके का स्टैंडर्ड बैंक दोनों ने मिलकर किया एक समझौता, जिससे भारत और यूके के बीच बिजनेस सुगमता जो है वो बढ़ जाएगी। संदीप बख्शी हेड हैं और सीईओ हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है याद रखना, और सॉरी बड़ोदरा में हेडक्वार्टर आईसीआईसी बैंक का 100% श्योर बड़ोदरा में है। इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। हेडक्वार्टर कौन है? तो ये हैं, कौन है? संदीप बख्शी, मुंबई में हेडक्वार्टर, और क्या है, सॉरी बड़ोदरा में हेडक्वार्टर है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये है इसकी फुल फॉर्म, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई बैंक बड़ोदरा में हेडक्वार्टर, 1994 में स्थापना, और संदीप बख्शी इसके हेड हैं। शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के हैं और इसके हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी
हाल ही में अभी गरीब तबके के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने वाले गरीब तबके के बच्चों जो इंडिया गरीब तबके के वो बच्चे जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक आवासीय कोचिंग खोलने की आवासीय कोचिंग खोलने की घोषणा किसने की है? तो भारतीय सेना ने। जी हाँ, भारतीय सेना चाहती है जो छोटे तबकों के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? डॉक्टरी और इंजीनियरिंग, उनको आगे लाया जाए, उनके कल्याण के लिए काम किया जाए। तो इसीलिए कोचिंग खोली है जिसमें रेजिडेंशियल फैसिलिटी है, आवासीय सुविधा है, और ये खुला है मणिपुर में। पूर्वोत्तर का जो सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है ना, जो पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा अपने यहाँ राष्ट्रीय ध्वज है, तो वो कितना? पूर्वोत्तर के राष्ट्रीय ध्वज कितने? 165 फीट ऊंचा फहराया गया है विष्टपुर में। 165 फीट ऊपर, मतलब ऊंचाई पर। रखाल यहाँ का बहुत फेमस लोग, ये पब्लिक डांस है, क्लासिकल डांस, ये लोक नृत्य, क्या कहेंगे, लोक नृत्य है रखाल। लोकटक नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क, लोकटक झील भी है। लोकटक केवल लामझाओ नेशनल पार्क जो है वो लोकटक झील के पास ही बना हुआ है, और ये वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क है। सिरोही नेशनल पार्क बता दिया। शंघाई महोत्सव, और शंघाई महोत्सव के अलावा हाँ, खोंगजोंग दिवस, ये खोंगजोंग दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। ASP कौन बनी? मीराबाई चानू, उनका नाम तो याद हो गई। लाई हरोवा पर्व यही मनाया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे फैक्ट्स हैं मणिपुर के तो मैं अक्सर बताती रहती हूँ। इसके चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह हैं। गवर्नर कौन है? ला गणेशन है। जैसे त्रिपुरा के कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्या थे। और मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। क्या है? इम्फाल। क्वेश्चन है, हाल ही में मार्कोस जूनियर किस देश के अभी नए प्रधानमंत्री बने? मार्कोस जूनियर तो फिलीपींस के नए नए प्रधानमंत्री बने हैं, मार्कोस जूनियर, सॉरी प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। मैं यानी मार्कोस जूनियर किस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो फिलीपींस। अब फिलीपींस के नए ये प्रेसिडेंट तो यही होगा, मार्कोस जूनियर। और मार्कोस जूनियर करेंसी क्या है? सॉरी हाँ, फिलीपींस की करेंसी क्या है? पैसो। और प्रेसिडेंट यही होगा मार्कोस जूनियर। और कैपिटल क्या है फिलीपींस की? मनीला, वनीला, सॉरी मनीला, क्या है? मनीला, ठीक है, मनीला कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर या साइबर फॉरेंसिक सेंटर अभी किसने और कहाँ स्थापित किया है? तो हैदराबाद में इसका उद्घाटन हुआ किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। हैदराबाद में साइबर सुरक्षा के सभी इंतजाम को मजबूत करने के लिए, साइबर सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, इसलिए एक साइबर सुरक्षा यानी साइबर फॉरेंसिक सेंटर का उद्घाटन किया है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। हाँ, और किसने? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। किसने? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ओके जी, तो ये है बात। गाइस आप 17 मई का भी इसी के अंदर करंट अफेयर्स सुन लीजिए, अच्छा होगा कि आप एक साथ पूरा सेशन सुन लेंगे। लेकिन सेशन को बहुत ही ध्यान से सुनना है, याद रखना है, शेयर करना है, रेगुलर सुनना है, लाइक शेयर कमेंट भी करना है। पहला क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंटरनेशनल लाइट डे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो 16 मई को। 17 का सेशन है तो ये 16 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अभी इंटरनेशनल लाइट डे क्यों मनाया जाता है? सॉरी, तो इन 1960 में प्रोफेसर थियोडोर मेमन ने जो ऑपरेशन लेज़र सफल किया था, मतलब सफल हुआ था इनके नेतृत्व में प्रोफेसर थियोडोर मेमन के, तो ऑपरेशन लेज़र सक्सेस हुआ था, और इसी की उपलब्धि के लिए प्रोफेसर थियोडोर मेमन और ऑपरेशन लेज़र ऑपरेशन जो सक्सेस हुआ उसके लिए ही इंटरनेशनल लाइट डे मनाया जाता है हर साल
16 मई को, कब मनाया था 16 मई को। अभी 15 को बताया था अंतर्राष्ट्रीय फैमिली डे, 14 को वर्ल्ड प्रवासी पक्षी दिवस, दो बार मनाया जाता साल में ये भी बताया था। 13 को क्या बताया था मैंने, बताइए जल्दी। और 12 को क्या कहा था, 13 और 12। 11 को राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस बताया, कल बताया मैंने। 10 में लूपस डे। इसी तरह सारे डेज को रिवाइज कर लीजिए प्लीज़। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विश्वधारी टाइगर रिजर्व, भारत का किस नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और ये किस राज्य में है? तो 52वें नंबर का है, 52 नंबर का विश्वधारी टाइगर रिजर्व, ये अपने इंडिया का टाइगर रिजर्व रीजन घोषित कर दिया गया है, 52वें नंबर का है और ये है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान। एक रामगढ़ बताया था आपको, याद रखना, वो भी एक टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है और एक ये है विश्वधारी टाइगर रिजर्व। आपको बता दूँ, स्पेशल आर्टिलरी 2-गन सिस्टम का जो परीक्षण हुआ था वो भी अभी राजस्थान में हुआ था। पहला एल रूट सर्वर जो प्राप्त किया है वो भी राजस्थान ने किया है, ठीक है। और सबसे ऊंचा खादी का ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है, ये फहराया गया है, क्या नाम कहते हैं, जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर। और राजस्थान की बात करें तो वायुसेना ने एक एक्सरसाइज हुई थी यहाँ पर, बताया था मैंने आपको, कौन सा हुआ है बताइए ज़रा मुझे, वायु शक्ति, ऑपरेशन डेजर्ट चेस और सरधवा, ये ऑपरेशन हुए। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, कामधेनु डेयरी योजना, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये और बैक टू वर्क योजना, उड़ान योजना, ये सब किसके कहाँ चल रही है, राजस्थान में, ठीक है। प्रशासन गांव के संग अभियान ये चल रहा है, प्रतापगढ़ पहला वैक्सीनेशन वाला डिस्ट्रिक्ट ये, ठीक। और सॉरी, और प्रशासन गांव और प्रशासन गांव के संग अभियान हो गया, हाँ ये ठीक है। और यहाँ पर पाली डिस्ट्रिक्ट में स्टैचू ऑफ पीस, जयपुर कैपिटल, जहाँ स्टैचू क्या बन रहा है, एक बन रहा है पहला अंगदाता स्मारक, कहाँ, जयपुर में। कलराज मिश्रा गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है। बहुत सारे फैक्ट्स बताए मैंने आपको, प्लीज़ आप याद रखना राजस्थान के, और बहुत सारे नए भी बताए, वो पिछले बार बताते ही रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी भारत से 2 लाख टन गेहूं आयात करने का निर्णय किस देश ने लिया है, यह घोषणा किस देश ने की है। भारत से 2 लाख गेहूँ आयात करने की घोषणा किस देश ने की है, तो 2 लाख टन ये गेहूँ आयात करेगा, इंपोर्ट करेगा कौन, मिस्र, इजिप्ट इंडिया से 2 लाख टन गेहूँ खरीदेगा, यानी इंपोर्ट करेगा अपने देश से। तो अब्दुल फतेह सीसी, ये इसके प्रेसिडेंट हैं, काहिरा कैपिटल है, और जी मिस्र की करेंसी क्या है, इजिप्शियन पौंड, क्या है, इजिप्शियन पौंड। अच्छा एक बात और बता दूँ, राजस्थान में जो है मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व है, और डेजर्ट जो यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क है, यहाँ पर एक टेक्निक का यूज़ हुआ, ब्रामो टेक्निक का, किसके लिए, चीतल हिरन को पकड़ने के लिए, अफ्रीका की ये ब्रामो टेक्निक, याद रखना। वैसे यहाँ पर रणथंभौर सरिस्का ये भी नेशनल पार्क है, और केवरा देवघाना बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरी है, तो केवला देवघाना बर्ड सेंचुरी है। और ये भी याद रखना कि चलो इतने याद रखो, और बाकी यहाँ पर कठपुतली, घूमर,
और घूमर है, कठपुतली है और तैताली है। इसी तरह से बहुत सारे यहाँ डांसेस हैं, लोक डांसेस हैं, मतलब नृत्य हैं, जो मैंने बताया पिछले बार भी। ठीक, और एक और बड़ा फेमस है राजस्थान का डांस। बस पांच डांस है, मैंने सबके बारे में बताया हुआ है, अभी फिलहाल ने दो तीन ही बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अधिगम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? अधिगम योजना, तो यहाँ पर 3,000 स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप और टैब प्रोवाइड किए जाएंगे, इनकी सहायता की जाएगी, उनको कोचिंग चाहिए तो कोचिंग मिलेगी, यही है अधिगम योजना। और ये शुरू की है हरियाणा राज्य सरकार ने। किसने? हरियाणा राज्य सरकार ने। मातृशक्ति उद्यमिता योजना भी तो शुरू की है हरियाणा राज्य सरकार ने, बताया था ना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना। सुषमा स्वराज पुरस्कार, इनकी घोषणा की है महिलाओं के विकास मतलब सशक्तिकरण के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट बन रहा है कहाँ? हरियाणा में। ठीक है, भिंडवास को भी रामसर साइट में शामिल किया गया, ये भी तो बताया ना, हरियाणा के सारे फैक्ट्स बताए थे मैंने। ठीक है, वर्ल्ड स्टैक डबल कंटेनर सुरंग, ठीक है, यहाँ बन रही है मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना चल रही है, हर हित स्टोर और हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत। ठीक है, पहली फैसिलिटी हम भारत के, ये सब किसके फैक्ट्स हैं? हरियाणा के हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पर पंचकुला में क्या खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या कौन से 21-22 ये बताया था, ये हो रहे हैं। ठीक, तो बहुत सारी फैक्ट्स मैंने आपको बताए। कल बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर कौन है, और अभी कल परसों ही एक योजना बताई है मैंने हरियाणा की, आपको कल परसों ही एक योजना बताई, कौन सी? चारा विजयी योजना। हाँ, चारा ही विजयी योजना शुरू हुई है। और कौन से चीफ मिनिस्टर हैं? मनोहर लाल खट्टर। चंडीगढ़ कैपिटल यूटी है चंडीगढ़। ठीक है, याद रखना। कालेश्वर सुल्तानपुर ये नेशनल पार्क है, और जो है यहाँ पर ये नेशनल पार्क है सुल्तानपुर कालेश्वर। इसके अलावा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वीर शिकारगढ़ नाहर खपरवास, वीर शिकारगढ़ नाहर खपरवास चिलचिला और खोली रेतान, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में किसको नामित किया गया है? हाल ही में अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में किसको नामित किया गया है? तो डॉक्टर स्वाति ढींगरा को, डॉक्टर स्वाति ढींगरा, कौन सी क्या नाम है? डॉक्टर स्वाति ढींगरा, ये या ढींगरा बोलेंगे, डॉक्टर स्वाति ढींगरा को अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड की सदस्य के रूप में नामित किया गया है। अच्छा सॉरी, एक फैक्ट यहाँ गलत हो गया, वो सुन लीजिए। जो अभी क्या वो नाम है, इजिप्ट यानी मिस्र, जो भारत से गेहूं आयात करेगा वो 2 लाख नहीं 5 लाख टन है, वो धोखे से बोल दिया मैंने, 2 लाख टन नहीं 5 लाख टन गेहूं आयात करेगा कौन? मिस्र, अपने देश भारत से। एक तो ये फैक्ट, दूसरी बात एक और फैक्ट आपके लिए सोचा था बताने के लिए, क्या नाम था, एक और फैक्ट सोचा था मैंने बताऊंगी, लेकिन दिमाग से बात निकल जाती है कभी कभी, ऐसा हो जाता है। तो पता नहीं क्या सोचा था। हाँ, ये जो अधिगम योजना है, ये ई अधिगम योजना है, कौन सी? जो जो हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की, जिसके बारे में अभी मैंने विस्तार से बताया क्वेश्चन में, ये अधिगम नहीं ई अधिगम योजना है, याद रखना। अच्छा, अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किस देश के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ? नेपाल के साथ। प्रधानमंत्री जी अभी बुद्ध पूर्णिमा के दिन नेपाल गए थे, तो वहाँ शेर बहादुर देवा, ये प्रधानमंत्री इस टाइम नेपाल के, इनके साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। और प्रेसिडेंट कौन है? वीडी भंडारी। तो याद रखना, काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, और काठमांडू में ही सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क का हेडक्वार्टर है,
और विम्सटेक का कहाँ है, मैं हमेशा बताती हूँ विम्सटेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, बताइए ज़रा मुझे। तो विम्सटेक का हेडक्वार्टर भी बताना है मैं, क्योंकि बताती रहती हूँ। अच्छा, पंचायत राष्ट्रीय पंचायत नाम से नेपाल की संसद है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है, मतलब सैन्य अभ्यास होता है। और दूसरा ये कि भारत और नेपाल ने तस्करी को रोकने के लिए, समुद्री तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त रूप से गश्त का निर्णय लिया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने अभी नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, हाल ही में किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो नीति आयोग ने। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 एक जनवरी में बना। प्रधानमंत्री अध्यक्ष, प्रधानमंत्री क्या नाम है इनका, प्रधानमंत्री को सब जानते हैं अपने, श्री नरेंद्र मोदी जी। और सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। और अध्यक्ष तो यही होगा, उपाध्यक्ष कौन थे, राजीव कुमार, इनकी जगह एक नए आए हैं। मैंने उनका नाम बताया, क्या क्या नाम बताया उनका, ज़रा मुझे बताइए, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बताया उनका नाम। अच्छा, क्या नाम है, बेरी, बेरी, अब तो समझ गए होंगे, ठीक है, चलिए, बेरी उपाध्यक्ष हैं, मिस्टर बेरी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी रजिस्ट्रेशन में पूरे भारत में कौन सा राज्य शीर्ष यानी टॉप पर आए, तो व्यवसायों के द्वारा और डीलर्स के द्वारा दोनों ही तरीके से, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, सॉरी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दोनों राज्य टॉप पर रहे हैं किसमें, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही किसमें, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में टॉप पर रहे हैं, ठीक है। यूपी के फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है, तो 16 मई को सिक्किम ने अपना 47वां राज्य स्थापना दिवस या स्टेटहुड डे मनाया है, किसने, सिक्किम ने। 16 मई 1975 में, 16 मई 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, तभी से ये अपना स्टेटहुड डे मना रहा है। कौन मना रहा है, सिक्किम, गंगा प्रसाद गवर्नर हैं, प्रेम सिंह तमांग चीफ मिनिस्टर हैं, और गंगटोक कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड, एक रिपोर्ट है, या ऐसे सुनिए, हाल ही में वर्ल्ड की सबसे, यानी वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नर्स कौन सी बनी है, वर्ल्ड की बेस्ट नर्स किसको घोषित किया गया है, तो बेस्ट नर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन बनी है, अन्ना कवाले दुबा, ये दुनिया की सबसे अच्छी नर्स बनी है, ठीक है, वर्ल्ड की बेस्ट नर्स हैं अन्ना कवाले दुबा, ये भी बनी है, ठीक है, याद रखना है आपने। क्वेश्चन है, हाल ही में मैन स्वेडियस सांप के जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है, साइंटिस्ट ने यानी वैज्ञानिकों ने मैन स्वेडे सांप के जीवाश्म की खोज कहाँ की है, तो लद्दाख में। ये एक सांप की लुप्त प्रजाति है, क्या लुप्त, जो प्रजाति लुप्त हो चुकी है, और अभी इसका जीवाश्म खोजा है, मैन स्वेडे सांप, ठीक है, ये लद्दाख में खोजा गया है। सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, यहाँ पर बताया था मैंने आपको फैक्ट, लद्दाख का स्पुतिक गोस्टर फेस्टिवल बताया था, मोबाइल यानी रोमिंग सिनेमा घर बताया था, सबसे ऊंची मोटर रोड बताई थी, आईएमओ का हेडक्वार्टर बताया, वो आईएमओ का, हाँ, सबसे ऊंचा जो है हेडक्वार्टर बना है लद्दाख में, ये सब मैंने बताया था। आर के माथुर इसके गवर्नर हैं, और हेमिस नेशनल पार्क है, यूटी है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण तकनीकी प्रशिक्षण प्रोग्राम को अभी, परियोजना को अभी कहाँ शुरू किया गया है, ग्रामीण तकनीकी यानी रूरल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, रूरल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे ग्रामीण तकनीकी प्रशिक्षण
परियोजना, ग्रामीण तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना, इसको कहाँ शुरू किया गया है? तो भोपाल में। भोपाल किसकी कैपिटल है? एमपी की। और भोपाल का क्या फेमस है? भोजताल। यहीं पर ग्रामीण तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना को शुरू किया गया है। अब एमपी के फैक्ट्स आप चाहें तो मैंने कल भी बताए हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं कल। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।